हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज 3i इन्फोटेक जो स्टॉक है उसके आज नंबर्स पेश होने थे, तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज आप देख सकते हैं स्टॉक में लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा सिंबल है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर पिछले एक साल की बात करें तो देख सकते हैं आप, ये कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, एक साल में बहुत शानदार रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो चलिए अब हम जो इसके नंबर्स हैं Q1 की अपडेट्स, चलिए डायरेक्टली उनको रीड करते हैं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं 29 जुलाई, अभी जो है 3i इन्फोटेक के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आउटकम आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने जो रिजल्ट्स हैं वो पेश कर दिए हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली नंबर्स पर लेकर चलता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं, तो यहाँ सीक्वेंस सही है, ये इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू जो क्वांटिटीज़ हैं ये लैक्स में है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है 17922, जो कि पिछले क्वार्टर में 17563 था। मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली थोड़ा सा रिवेन्यू जो है कंपनी का बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो एक साल पहले सेम क्वार्टर में जो रिवेन्यू था वो 15986 था, अब बढ़कर 17922 है। ये एक अच्छा सिंबल है। उसके बाद अदर इनकम को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में कंपनी की रही है वो 18009, जो कि पिछले क्वार्टर में 17570 थी। मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए कितनी अच्छी जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो अच्छी तरह से बढ़ा है। उसके बाद दोस्तों मेन आता है सबसे ज़रूरी एक्सपेंसेस, खर्चों की अगर हम बात कर लें तो टोटल खर्चे आप देखिए 19258 कंपनी का खर्चे ज़्यादा आए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 17924 था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 16287 था। तो मीन्स आप देख सकते हैं अभी प्रॉफिट या लॉस जो आता है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आएगा, तो मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ कंपनी को लॉस हुआ है, बट उसके बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं। उसको अगर हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 31 का आया है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि टैक्स होता है और कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको अगर हम कंक्लूड करके ओवरऑल आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको यहां दिखेगा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो आप देख सकते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में भी 152 का लॉस हुआ है, बट जो पिछले क्वार्टर में 390, मींस आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कंपनी का जो लॉस था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है इस स्टूडियो में, इस क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने अपने लॉस को कम किया है, जो कि एक अच्छा सिंबल है। EPS अर्निंग पर शेयर की फॉर्म में अगर आप इस चीज़ को नोट करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.23 से 0.09, मींस ये एक मेरे हिसाब से, मुझे तो अगर फाइनेंशियली मींस अगर इसके ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे तो कंपनी के अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि नंबर्स और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे, बट इस क्वार्टर में जैसा आप सभी को पता है इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसकी वजह से बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के भी जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बट अच्छी बात क्या है दोस्तों, अच्छी बात ये है कि कंपनी का जो लॉस है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा लॉस कंपनी ने कम किया है। पहले भी मैंने एक वीडियो इसमें बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि पिछले साल 2021 में इनकी जो कंपनी है उनके जो मैनेजमेंट ने दावा किया था कि हम सितंबर मिड से
डेब्ट फ्री हम हो जाएंगे और कंपनी जो है लॉस से बाहर निकलेगी, प्रॉफिट की तरफ आएगी, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के वो दावे जो है सच होते हुए हमें आने वाले क्वार्टर में ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है कि कंपनी जो है जितना कंपनी को लॉस होता था उससे अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है और कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी आपके सामने है, रिवेन्यू भी धीरे धीरे कंपनी का बढ़ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें इस स्टॉक के आज के रिजल्ट्स, तो दोस्तों मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी के लगे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई के बावजूद भी इस कंपनी का लॉस इतना ज़बरदस्त तरीके से इसने कम किया है, और ये इनकी मैनेजमेंट ने पहले ही पिछले साल कमेंट्री में कहा था कि हम लोग धीरे धीरे अपनी कंपनी को लॉस से प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगे। आप सेम जो कंडीशन है वो टाटा मोटर शेयर के साथ भी ऐसे ही है, वहाँ भी हैवी लॉस होते हैं, बट उनकी भी मैनेजमेंट पर विश्वास इन्वेस्टर करते हैं और उसमें रिवार्ड मिला है। तो दोस्तों जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको होल्ड करके चलें, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि हम 2022 जो मिड है मीन्स नेक्स्ट क्वार्टर जो है उससे कंपनी ने कहा था कि हम लोग प्रॉफिट में आएंगे, और आप देख भी चुके हैं कि कंपनी जो है कितने बड़े लॉस को अपने धीरे धीरे कम कर रही है और रिवेन्यू कंपनी का धीरे धीरे जंप कर रहा है। तो दोस्तों ये थे आज 3i इन्फोटेक शेयर के नंबर्स। आपको नंबर्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो बिंदास होकर होल्ड कीजिए, जल्द ही आपको ये स्टॉक में आगे अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। बस आपको एक चीज़ रखनी है, वो है पेशेंस। पेशेंस रखिए, आपका स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स देगा। स्टॉक नंबर अच्छे आए हैं, नो डाउट, पहले से बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने नंबर इस क्वार्टर में पेश किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।